सर एक्चुअली में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का राज था, काफ़ी मोटी चमड़ी हो चुकी है, पूरी तरह से एक सर्दी की अकड़ और घमंड का अकड़ अच्छा नहीं रहता है। हम इनका तोड़ेंगे घमंड भी, लड़ेंगे और जीतेंगे, भ्रष्टाचार को हराएंगे निश्चित रूप से। लास्ट 15 दिन पहले भी मैं यहाँ पर थाली बजा के गया था, इन लोगों को जगाने आया था, लेकिन ये लोग इतनी गहरी नींद में सोए हुए, कुंभकर्ण की नींद में, मैं इनको सोने नहीं दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इनको जगा के रहूँगा और क्षेत्र में काम कराऊँगा। कि 15-20 साल से टेढ़ी कमर हो चुकी है और उस टेढ़ी कमर को सीधा करना है हमें, और वो हमें अच्छी तरीके से आता है। हमें अब हम दो बार आए हैं सिर्फ, हम बार बार आएंगे और इनको जब तक ये नहीं जगेंगे तब तक आएंगे, क्योंकि राजनगर के लोगों ने मुझे वोट दिया है, साफ़ सफाई के नाम पे वोट दिया है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैंने चुनाव लड़ा है, उन्होंने भी कूड़े के ढेर को हटाने के लिए ही इस चुनाव के मैदान में आए थे, और बीजेपी को करारी हार दी थी, वो सिर्फ सफाई की एक वादा किया था हमने जनता को, और जो ये अधिकारी सो रहे हैं इनको जगाने का काम मैं ऐसे निरंतर करती रहूँगी जब तक ये जगेंगे नहीं, और मेरे साफ़ सफाई का काम सुचारू रूप से जब तक नहीं होगा तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक मैं ये मुहिम अपनी चलाती रहूंगी। एनडीआरएफ की ये फाइल है, नरपाल सिंह महलावत उप कमांडेंट प्रशासन वास्ते कमांडेंट बटालियन आरओ एम्बल, मतलब आप ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो हमारी जान की रक्षा करता है, आपदा विपदा जब आती है उनको 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट करनी होती है, वो 6 महीने से यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, लेकिन एमसीडी डिपार्टमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ये RWA का लेटर लगे हुए हैं इसके अंदर, लेकिन यहाँ के अधिकारी हैं वो सुन नहीं रहे हैं। दूसरा, इन्होंने मुझे कुछ सूत्रों से पता लगा है 400 कर्मचारी इन्होंने इल्लीगल तरीके से, अभी मैं उसको पूरा स्टडी कर रहा हूँ, 400 कर्मचारी इल्लीगल तरीके से SS के माध्यम से कुछ भर्ती की है गैरकानूनी रूप से, कुछ ऐसा लग रहा है। मैं निश्चित रूप से उस पर थोड़ा स्टडी करके मैं इनकी फाइल वो भ्रष्टाचार विभाग में CBI में भी दूंगा। अगले 5-7 दिन के अंदर इनको जवाब देना होगा, इस बार भ्रष्टाचार बंद करके ईमानदारी से काम करना होगा। उन 400 लोगों को जो सफाई कर्मचारी बेचारे हैं, आप समझ सकते हो कि अगर बैक दरवाजे से इन्होंने भर्ती किया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो घोटाला होगा, कुछ तो दाल में काला होगा। व्यवस्थित तरीके से ये 400 लोगों को भर्ती करते, अखबार के अंदर ये पर्चे छपवाते, बताते तब करते, क्योंकि बैकडोर से किया है, उसकी CBI इंक्वायरी भी इनकी SS की और इस डिपार्टमेंट की, यहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं उनके निश्चित रूप से करवाऊँगा।